Assalamu alaikum dear friend, this is Ali and you're watching on a future YouTube channel. So welcome to another brand new video. Or aaj ki is video mein dear friend hum quiz complete karne ja rahe hain elemental workshop 2. So dear friend, iske kya requirement hai, kya stat hai, is par zara nazar dal lete hain, then isko start karte hain. To dear friend, quiz jo hai hamari wo hai ji ye rahi elemental वर्कशॉप 2. तो इसके लिए जो क्विज की रिक्वायरमेंट है वो है एलिमेंटर वर्कशॉप 1 आपकी होनी चाहिए कंप्लीट, उसके बाद 20 आपका मैजिक होना चाहिए और 13 आपकी स्मिथिंग होनी चाहिए. ठीक है, दोनों बूस्टेबल है, मतलब आप बूस्ट करके भी कर सकते हैं. ठीक हो गया, तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए क्या-क्या चीजों की जरूरत है, इसके लिए क्या स्टैट चाहिए हमें. तो क्विज की बात की जाए तो एलिमेंटर वर्कशॉप 1 आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, हमारे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, आप देख सकते हो. उसके बाद स्किल्स की यहाँ बात की जाए 20 मैजिक और 30 स्मिथिंग होनी चाहिए. ठीक हो गया, और इसके साथ आपकी इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप जो है 35 लेवल के 2 जो है अर्थ एलिमेंटर को किल कर सको. ठीक है, तो चलिए अब आइटम नीडेड पर देख लेते हैं. आइटम नीडेड में डियर फ्रेंड हमें एक पिकैक्स चाहिए, एनी काइंड ऑफ पिकैक्स. ठीक है, एक हैमर चाहिए, 8 हमें कोर चाहिए. ठीक है जी, ये जो पत्थर है, ठीक है, कोल. उसके बाद ये फ्रेंड यहाँ पे रिकमेंडेशन की बात की जाए तो कुछ ख़ास नहीं है, एक आधा स्टेमिना पोशन आप रख लो. ठीक है, और ग्रेसफुल है तो ठीक है, अदरवाइज़ कुछ स्टेमिना पोशन और छोटा मोटा फूड, अगर बिल्कुल लो लेवल है तो फूड रख लो, क्योंकि हमने वहाँ पे छोटी सी फाइट भी करनी है. ठीक है, और आगे चलते हैं. टेलीपोर्ट की बात की जाए तो आपके पास एक डिक साइड टेलीपोर्ट होना चाहिए या सिंपल कैमल आउट होना चाहिए. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्विज को. तो मैं यहाँ से चलता हूँ जी डिग साइड. अगर आपके पास डिग साइड अपनी क्विज नहीं कंप्लीट की हुई तो सिंपल जो है आप यहाँ पे ग्रैंड एक्सचेंज पे हो सकते हो. ठीक है, इधर से आप जो है चल के ऐसे आना है आपने. ठीक है, इधर से आप सीधा जो है इस जगह पर आना है. ये आप देख सकते हो, एलिमेंटर वर्कशॉप 2 क्विज नॉट स्टार्टेड. या सिंपल आप डिग साइड का यूज़ कर सकते हो, टैबलेट का या स्क्रॉल का. तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ इसका, तो मैं क्लिक करता हूँ इस पर ऊपर, तो मैं सीधा यहाँ पे आ जाऊँगा. ठीक है, आपके सामने इधर से आपने रनिंग करनी है और सीधा जो एग्ज़ाम सेंटर है इसके अंदर आना है, इस जगह पर. ओके डियर फ्रेंड, ये डोर है, उधर भी डोर है, दोनों में से कोई भी ओपन करो, अंदर आओ. इधर आने के बाद डियर फ्रेंड आपने यहाँ पे जो कुछ बुक्स होंगी इनको आपने करना है सर्च. नथिंग, ये देखिए ये हमें मिल गई, इस जगह पर हमने सर्च की, ये हमें मिल गई. इसको करना आपने रीड. ठीक है, तो हमें मिल जाएगा एक स्क्रॉल, इसको भी आपने करना है रीड. ठीक है, तो आप देख सकते हो डाउन टू एन ई एन ई कुछ इस तरह से लिखा हुआ. डोंट वरी, इसको आपने कर देना क्लोज. क्लोज़ करने के बाद आपने ये जो चीज़ें हैं पहले वाली बुक्स जो मिली हैं इसको हम गिरा देते हैं. ठीक है, ओके. अब इधर से हमने सीधा जो है कैमलॉट जाना. कैमलॉट जाने के बाद आपने जो है वेस्ट की तरफ रनिंग करनी है. और यहाँ पे जो एनुअल का साइन है इस रूम के अंदर जाना है और इस जो वॉल है इसको आपने पुश करना है. अच्छा जी, वो कह रहे हैं ओपन नहीं हो सकती, तो इसका तरीकेकार ये है कि ये जो क्विस्ट वाला रूम है इसके अंदर आना है. यहाँ पे एक बुक होगी, आपने सर्च करना है इसको. ठीक है, ये देखिए हमें की मिल जाएगी. की मिलने के बाद आपने वापस उसी रूम के अंदर जाना है. अब इसको प्रेस करना है तो ये हो जाएगी प्रेस. ठीक है, ओपन होगी. इसके नीचे चले जाना है आपने. अब हमने सीधा जो है नॉर्थ की तरफ जाना है. यहाँ पे देख सकते हैं ये एक मशीन है, मशीनरी, इसको आपने करना है क्लिक, तो हमें एक की मिल जाएगी. ठीक है, ये कुछ इस टाइप की.
ओके डियर फ्रेंड, अब ये की मिली तो आपने वापस आना है, तो सामने आपको नज़र आ रहा होगा मिनी मैक में एक छोटी सी जो है सीढ़ी है यहाँ पे, ठीक है। तो आपने इससे ऊपर जाना है मिडिल फ्लोर पर, सॉरी ये ऊपर आ गया, ये सीढ़ी नहीं है, मिडिल फ्लोर, कहाँ गई, ये देखिए इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने नीचे जाना है, ओके जी। अच्छा जी, नीचे आने के बाद हमने यहाँ पे क्रेन को जो है रिपेयर करना है, ओके डियर फ्रेंड। नीचे तो हम आ गए, लेकिन इससे पहले हमें एक छोटा सा काम करना है, आपने ऊपर जाना है। ऊपर जाने के बाद आपने जो है वेस्ट की तरफ जाना है, यहाँ पे आपने कुछ जो है रॉक एलिमेंटर को आपने जो है ये देखिए माइन करना है, उसके बाद इनको किल करना है, किल करके आपने दो जो है और इससे लेने हैं, ठीक है, ये ज़रूरी है, ओके। ये जो रॉक है इसको आपने पिक करना है, फिर इसको माइन करना है, फिर किल करना है। तो इन बुक्स की हमें ज़रूरत नहीं है, इसको मैं ड्रॉप कर देता हूँ, कम ऑन। नहीं जी, बस वेपन का इतना ही काम था, इसको किल करना है, इसका जो भी ड्रॉप होंगे पत्थर वगैरह, इसको लेना। कम ऑन यार, नहीं पिक हुआ, ओके जी दो हो गया। उसके बाद ये फ्रेंड आपने थोड़ा सा ईस्ट की तरफ जाना है और आगे की तरफ जाना है, यहाँ पे हमें जो है स्मिथिंग करनी इन बार को, तो इस एरिया में आना, यहाँ पे आपको जो है ये जो भट्टी सी मिलेगी, इसमें आपने ये दोनों जो और है इसको डाल के इनकी बार्स बनानी है, ठीक है। ये देखिए ये हमारे पास दो बार होगी। अब आपने क्या करना है, अब सिंपल जो है नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपने हर एक ग्रेड को यहाँ पे सर्च करना है, हमें एक पाइप और तीन जो है ग्रारी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने वो फाइंड करनी है, सॉरी क्रेन को रिपेयर करना है। तो हर ग्रेड को जो है यहाँ पे सर्च करते जाना, ओके डी फ्रेंड। अगर यहाँ से नीचे से कुछ भी नहीं मिला आपको, तो आपने सीढ़ियों से ये पास होंगे ऊपर जाना, ऊपर भी जाके सर्च करना है, जब तक हमें स्मॉल मीडियम और लार्ज तीन ग्रारिया और एक पाइप नहीं मिल जाता, ठीक है, तब तक हमने ये सर्च करते रहना। कम ऑन, ये देखें स्मॉल, उसके बाद लार्ज मिल गई हमें। हर बंदे की रैंडमली होगी ये सारी चीज़ें, ये देखें एक नीचे से मीडियम मिल गई। अब हमें सिर्फ एक पाइप ढूंढना है, ये देखिए पाइप भी हमें मिल गया। अब डियर फ्रेंड क्या करना है, आपने दोबारा से ऊपर जाना सीढ़ियों से, ठीक है, और नॉर्थ की तरफ एक बिल्कुल फ्रंट में आपने जाना है। ये देखें यहाँ पे एक पाइप टूटा हुआ है, उसके ऊपर इस पाइप को आपने यूज़ करना है, ये वाला, इसको करना है फिक्स, ये हो जाएगा फिक्स, ठीक है, ओके। जैसे इसको फिक्स करना है आपने वेस्ट की तरफ ही आना, पीछे की तरफ, ठीक है। यहाँ पे ये देखें ये कुछ पाइप बना हुआ है, इसके ऊपर आपने करना है क्लिक, ठीक है। अब इसको हमने करना है फिक्स, ये देखें इसको, इसके ऊपर कुछ ऐसे, इन दोनों को आपस में और इन दोनों को आपस में आपने ये और ये
ऐसे कर देना, ठीक है, स्पेस प्रेस करनी है, ओके। इसको फिक्स करने के बाद आपने जो अगेन है नीचे जाना है, ओके जी। नीचे जाने के बाद आपने ईस्ट की तरफ जाना है, ये देखिए कि कुछ करारी टाइप यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो मैं कैमरा रोटेट करता हूँ, ये जो बड़ी वाली करारी है आपने यूज़ करनी है इसके ऊपर लार्ज, उसके बाद आपने ये जो मीडियम है ये नीचे वाले पर यूज़ करनी है, ये जो खाली है, और ये जो है स्मॉल इसको ऊपर वाले पर यूज़ करनी है, ठीक है। स्पेस प्रेस करनी है यहाँ पर, मैप को मैं सीधा करता हूँ, ओके। इनको फिक्स करने के बाद आपने जो है साउथ पोजीशन में आना, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे ये देखे कुछ नोट्स पड़े हुए हैं, इस पर आपने करना है क्लिक, एक आपने ले लेना, ठीक है। उसके बाद इसको आपने करना है रीड स्पेस, ओके। रीड करने के बाद आपने ये मिडल वाली जो सीढ़ी है इससे ऊपर जाना है जहाँ से हम नीचे आए हैं, ठीक है। इधर आने के बाद ये जो बार है एनुअल पर यूज़ आपने करनी है, ठीक है। और यहाँ पे एक क्रेन क्लॉ बनाना है आपने, ठीक है, एक, ठीक है। एक बनाने के बाद आपने अगेन जो है नीचे आ जाना है, इधर से नीचे, ठीक है। नीचे आने के बाद आपने साउथ पोजीशन में आना है, और इधर देखे दो लीवर हैं ओल्ड एंड ओल्ड, ठीक है। अब पहले आपने इस पर क्लिक करना है, ये लेफ्ट साइड वाले पर, उसके बाद ये जो क्ला है इसको यूज़ करना है, इसके ऊपर रिपेयर करना है, इट मीन, ठीक है, स्पेस। उसके बाद ये जो बार है आपने इसको यूज़ करना है, ये जो नीचे ट्रे पड़ी हुई है, बट पहले आपने इस गियर को ऊपर करना, ठीक है। अब आपने यूज़ करनी है बार को इसके ऊपर, ठीक है। फिर इस गियर को आपने नीचे करना है, अगेन इस पर क्लिक करना है, इसको उठाना है, फिर आगे वाले पर आपने करना है क्लिक, इसको घुमाना है, ये अब इसको करना है नीचे की तरफ पुल, फिर इसको ऊपर करना है, ये कुछ गोल्ड बार बन जाएगी, फिर इसको घुमाना है, फिर इसको करना है पुल नीचे, फिर इसको ऊपर करना है, कम ऑन, ओके जी। आप देख सकते हो कि हमारी जो बार है ये गोल्डन कलर की हो गई है, ओके। जब ये नीचे रख देगा उसके बाद आप देख सकते हो कि इस लीवर के बिल्कुल पीछे वाला एक लीवर है, इसको आपने पुल करना है, ठीक है। फिर आपने इधर से चल के इसके पास आ जाना है, जिस तरफ हमारी ये ट्रे जा रही है इसकी तरफ, जैसे इधर आगे खड़ी हो जाएगी ये, तो आपने इसको प्रेस करना है, ठीक है, स्पेस। फिर आपने क्या करना है, वापसी इस लीवर को पुल करना है, इस ट्रे को आगे की तरफ लेके जाना है, और हमने भी आगे की तरफ जाना इस लीवर के पास, ये देखिए, ओके। इस लीवर को आपने करना है पुल, ठीक है। उसके बाद ये देखें आपके पास एक और है यहाँ पे, इसको आपने प्रेस करना, फिर से प्रेस करना, फिर इस लीवर को पुल करना ताकि डोर जो है क्लोज हो जाए, ठीक है। फिर आपने ये जो वाटर है वाला जो है इसको आपने घुमाना है, स्पेस, ओके। फिर आपने आगे की तरफ जाना, यहाँ पे एक और वाटर वॉल होगा, ओके, हो गया। फिर आपने अगेन इसको, इसका लेवल जो है कम करना पानी का, उसके बाद आपने वापस इस पर आना है, इसको टर्न करना है, इसका बिल्कुल इसको एम्प्टी करना है। एम्प्टी करने के बाद आपने इस लीवर पर आना है, इसको करना है पुल, डोर को ओपन करना है, फिर आपने ये वाला जो गोल सा चक्कर इसको घुमाना है, फिर से आपने एक दफ़ा इसको घुमाना है ताकि ये जो सारी चीज़ें इसके अंदर चलेगी। फिर आपने इस लीवर को पुल करना है, डोर को क्लोज़ करना है, वापसी आपने साउथ पोजीशन में आना है, और ये जो येलो वाला साइन है इस लीवर को आपने करना है पुल,
उसके बाद इस तरफ आ जाना है और यहाँ से ये जो लीवर आपको नज़र आ रहा है ईस्ट की तरफ, इसको आपने पुल करना, स्पेस प्रेस करनी है। ओके, अगेन आपने जो है इस येलो वाले साइन के आगे वाले लीवर को पुल करना है। सॉरी, एक दफ़ा इसको पुल करते हैं ताकि ये फ़ैन जो है क्लोज़ हो जाए। ठीक है, उसके बाद दोबारा इधर आके इस लीवर को पुल करना, फिर से ये आगे आएगी। ओके जी, जैसे ये बार आ जाएगी इसको आपने करना है टेक, यानी कि इसको पिक करना है। अब आपने जाना है जी इधर से सीढ़ियों से नीचे। नीचे आने के बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे एक डोर होगा, इसको आपने करना ओपन। ओपन करने के बाद ये जो वाइट वाली बार है इसको यूज़ करना है इस साइड पर, ये गन के ऊपर। उसके बाद आपने ऑपरेटर पर बैठ जाना है खुद। फिर आपने ये जो गन से ये इसको टेक कर लेना है इस बार को। ओके डियर फ्रेंड, जैसे ये बार हमारी बन जानी है और इसी के साथ जो हमारी क्वेस्ट है वो भी यहाँ पे कंप्लीट समझ लो होगी। ऊपर जाना वापस, ठीक है, यहाँ से मेन ऊपर जाना है। उसके बाद इस बार को जो है यूज़ करना है एनवल के ऊपर। सो डियर फ्रेंड, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव कम्प्लीटेड दी एलिमेंटल वर्कशॉप 2। अच्छा, मुझसे एक छोटी सी मिस्टेक हुई, मुझसे वो बुक जो हमने डिग साइड से ली थी वो मैंने वो कर दी थी वहाँ पे ड्रॉप, तो आपने उस बुक को ड्रॉप नहीं करना। ये एक छोटी सी मिस्टेक मुझसे होगी, मैं लेके आता हूँ उस बुक को। इसी जगह से कुछ आगे स्टार्ट करते हैं। ओके डियर फ्रेंड, तो मैं ये बुक ले आया हूँ वापस, डिग साइड पर मिलेगी। अगर आप ड्रॉप कर दो, आपने ड्रॉप नहीं करनी, मैं अभी स्टेक कर चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, तो इसको इसके ऊपर यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हो ये हमारा वर्क जो है यहाँ पे स्टार्ट हो गया। तो सो कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव कम्प्लीट दी एलिमेंटर वर्कशॉप 2 क्वेस्ट। यू आर अवॉर्डेड 1 क्वेस्ट पॉइंट, 7500 क्राफ्टिंग एंड स्मिथिंग एक्सपी एबिलिटी टू मेक माइंड इक्विपमेंट्स। ठीक है, तो कैसी लगी आपको ये गाइड? आई होप सो कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं किसी और चीज़ वीडियो में, तब तक के लिए मेरे भाई को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।